हेलो, वेलकम टू एक तो होम फूड्स भाई। आज ये आप देख रहे हो, आज मैं आपके साथ कुछ नॉन वेज वाली रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी ये कि पूरा चिकन नहीं बनाएंगे, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मैरिनेट चिकन इन अ डिफरेंट वे एंड वेरी इजी वे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देख सकते हो आप, ये मैरिनेट करके मैं इसको जो है ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूंगी ओवर नाइट, ताकि जो कल हम इसको ड्राई चिकन या तंदूरी चिकन या ग्रेवी चिकन भी बनाना चाहें, कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपने पूरा बनाना हो तो पूरा एक साथ रख दीजिए, अगर आपने देर से बनाना हो या 2-3 दिन बाद बनाना, तो आप इनके पोर्शन करके एक जिप लॉक्स में डाल के फ्रीजर में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको चाहिए आप निकालिए, थोड़ी देर बाहर रखिए, और फिर उसके बाद उसको जिस तरह से आपने कुक करना है, तंदूर में या कोयले पे या ओवन में, यू कैन डू इट। तो आइए देखते हैं कि ये जो चिकन की मैरिनेशन है, देख सकते हैं किस तरह से हम करेंगे। और उससे पहले कि मैं आपसे ये याद दिलाना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बने रहते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो नई नई रेसिपीज हैं वो आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। काफी सारी रेसिपीज मैंने अभी तक डाल चुकी हैं आपके लिए, तो प्लीज हैव अ लुक एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। वैसे ये जो खास बात है इस वीडियो की, ये है कि ये मेरे बेटे की आइडिया है, मेरे बेटे की रेसिपी है मैरिनेट करने की। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए मेरे बेटे की तरफ से है, तो जरूर ट्राई कीजिए। यंग बच्चा है, कैसे चिकन खाते हैं इनको पसंद है, उसी तरीके से उसने ये मैरिनेट किया है, और बहुत यमी बनता है। आई एम रियली टेलिंग यू, बहुत टेस्टी बनाता है वो चिकन। जब भी बनाता है, उसके फ्रेंड्स आते हैं तो इसी तरह से मैरिनेट करता है, और बहुत अच्छा यमी चिकन बनाता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। तो आज हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ये 1 किलो चिकन है, 1 किलो चिकन है, लेकिन इसमें से हम पूरा नहीं लेंगे, हम 3/4 चिकन लेंगे। थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे, कंजूस तो हम होते ही हैं। तो इसके लिए हमने 3/4 kg चिकन लेंगे, साथ में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, जो आप देख सकते हैं। सॉल्ट है, दही है, ये जो है चिकन कबाब पाउडर है, 10 रुपए का पाउडर मिलता है, बहुत ही आसानी से। इससे जो है टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। ये जो सूखा पुदीना मैंने बना के घर में रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये हमारी स्टैंडर्ड नमकदानी है, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, कलौंजी और ये सब चीजें हैं, जो कि इसमें से कुछ चीजें हम यूज करेंगे। तो आइए चलिए पहले ले लेते हैं ये चिकन। चिकन को मैंने लाते ही पहले विनीगर और नमक डाल के थोड़ी देर रखा था 1 घंटा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो लेग पीस होती है स्पेशल, जो बिल्कुल डेलिकेसी होती है चिकन की, जो होती है नॉनवेज की, तो उसको हम इस तरह से पहले जो है चक्कू से थोड़े कट्स लगा लेंगे, ताकि इसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह से चले जाए। भाई एक चिकन की तो 2 ही टांगे होंगी ना, तो 2 टांगे तो आ गई हैं। इसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे, और बाकी जो भी पीसेस हैं उनको मीडियम साइज के पीसेस लेंगे, ताकि मैरिनेशन उनके अंदर अच्छी तरीके से चली जाए। ये इस तरह से हर एक पीस में हल्का हल्का सा कट लगा देंगे। ये एक ट्रिक होती है और एक आइडिया होता है, टिप होती है, कि भाई चिकन के अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह से जाए, ताकि जब आप इसे खाएं तो मैं अंदर ही भी पूरा मसाला गया हो। ये चिकन जो है ये बोन वाला ही है, हमने बोनलेस नहीं लिया। आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी बना सकते हैं, बट दिस इज विद बोन्स, क्योंकि जो चिकन खाते हैं उनको पता होता है कि बोन वाला चिकन जो होता है उसका टेस्ट अमेजिंग होता है। ये थोड़ा चिकन मैंने बताया था आपको, करीब पाव भर हमने रख दिया है दूसरी तरीके से बनाने के लिए। और ये जो है 3/4 kg जो है, 1/4 किलो चिकन जो है किचन में मैरिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले इस चिकन में हम दही डालेंगे। दही आप जैसे कि 2 टेबलस्पून भर के इसमें आप दही डाल सकते हैं। दही खट्टा भी होगा तो कोई बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। तो ये पूरा दही इसमें डाल दिया हमने, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन कबाब पाउडर, ये तेजू कंपनी का एक पैकेट छोटा वाला 10 रुपए का जो मिलता है, तो वो पूरा हम इसमें डाल देंगे। पूरा हमने एम्प्टी आउट कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास बाजार का नहीं है तो आप घर पे बना सकते हो। अगर घर का जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसमें आप जो है 2-3 इंच टुकड़ा अदरक, और साथ में कम से कम 15-20 लहसुन की कलियां डाल के आप उसको मिक्सी में चला सकते हैं। चाहे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, पतले वाले से वो ऐड कर सकते हैं, पर हमने सुविधा के लिए जो है रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, जो कि 1 चम्मच बड़ा भर के हमने लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, जो कि स्वाद अनुसार आपने डालना है। तो जितना कि जैसे 1/4 किलो ये हमारा चिकन है, तो इसमें कम से कम 1 टीस्पून भर के जो है नमक डल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं। तो चिली जो है चिकन के जो नॉनवेज आइटम होता है उसमें चिली जो है ज्यादा हो तीखा तो अच्छा लगता है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई है। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच भर के 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, और हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर भी हमने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है,
और अब हम इसमें डालेंगे सूखा पुदीना जो कि हमने घर में बना के रखा हुआ है, तो वो करीब 1 टीस्पून जो है हमने इसमें सूखा पुदीना डाल दिया। आप चाहें तो इसमें आप मेथी भी डाल सकते हैं, अगर कसूरी मेथी आपके पास है तो आधा चम्मच वो भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। अब ये सारे मसाले इसमें डल गए हैं, तो अभी भाई चम्मच का कोई काम नहीं है, तो अब जो है काम है हमारा हाथों का, और हाथ से इस पूरे चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में, ताकि मसाला हर एक पीस के अंदर चला जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो रहा है मसाला, ये हाथ मेरे नहीं है ये स्पेशल है जो कि सरप्राइज है कि भाई ये कौन बना रहा है वो हम बाद में बताएंगे आपको। ये देखिए कितना अच्छा मैरिनेशन इस चिकन का हो रहा है, और एटलीस्ट आपको इसको ओवरनाइट मतलब कम से कम 10 से 12 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे, और फिर इसको आप तंदूर में या फिर आप कोयले के ऊपर या फिर आप ओवन में इसको बनाएंगे, तो बहुत अच्छा जो है तंदूरी चिकन टाइप ये बनेगा। ये ड्राई चिकन है जस्ट स्नैक्स की तरह खाने के लिए, तो जब तक इसमें अच्छी मैरिनेशन अंदर तक ना जाए तब तक ये चिकन अच्छा नहीं बनेगा, और जूसी भी बनेगा अगर इसको आप जितना ज्यादा मैरिनेट करेंगे, मतलब मैक्सिमम फॉर 1 डे यू कैन मैरिनेट दिस, बट इसको जो है हम आज ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे। तो आज की वीडियो हमने सिर्फ आपको मैरिनेशन की बताई है, तो आप इसी तरह से मैरिनेट करके चिकन को अगर आपने अगले दिन बनाना हो, रात में मैरिनेट करके ढक्कन लगा के आप इसको नॉर्मल फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में आप इसको रख दीजिए, और अगले दिन जब आपको बनाना हो तो आप बनाइए, और अगर आपको अगले दिन नहीं बनाना तो आप इसके पोर्शंस करके फ्रीजर में भी डाल सकते हैं, जितना पोर्शन आपको चाहिए आप फ्रीजर में से निकालिए और उतना आप उसको बना सकते हैं थोड़ा सा थाव करने के बाद में। तो ये जो है मैरिनेशन की रेसिपी आपको कैसी लगी है, तो मेरे चैनल पे आप जरूर देखिए और ये बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आप नॉनवेज हैं तो चिकन बनाते हैं या मटन बनाते हैं तो ये जरूर ट्राई कीजिए, और मैं ये कहती हूँ कि ये नॉनवेज के साथ नहीं, अगर आपको पनीर भी बनाना है तो आप पनीर मशरूम भी इसी तरीके से बना सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे भी अगर आप मशरूम और चीज का मशरूम या पनीर का बना रहे हैं इस तरीके से तो 2-3 घंटे भी मैरिनेट करके अगर रखेंगे तो उसके बाद आप उसको ओवन में या नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। तो जरूर बनाइए, ये मैरिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स है। पुदीना अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज फ्रेश पुदीना ऑल्सो, छोटा छोटा बारीक कट करके आप डालिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और एक तो होम फूड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो मेरी नई नई रेसिपीज हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपी।